रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हमाद अजमल एंड आप चैनल देख रहे हैं क्रिकेट का जुनून। HBL PSL 7 सीजन 7 मैच 21 इस्लामाबाद यूनाइटेड वे कराची मैच नंबर। इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए कराची ने टॉस पहले बंद करने का फैसला किया। इस्लामाबाद ने मुकर 20 ओवर खेल के 191 बनाए, 7 रन आउट हुए। शादाब खान ने 34, फहीम अशरफ ने 29 रन नॉट आउट, आसिफ अली ने 28 और हेल ने 25 रन स्कोर बनाए। कराची के अंदर माज वसीम ने 2, थॉमसन ने 1, हमजा ने 1 और जाडो ने भी 1 रन को आउट किया। जवाब में कराची की टीम 192 रन का टारगेट देखते हुए मगर 20 ओवर में 190 रन बना सकी, 8 करे आउट हुई। माज वसीम कासिम अकरम ने शानदार बैटिंग की और 100 रन के बाउंड्री बनाई, लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सके। इमाद वसीम ने 55 रन और कासिम अकरम ने 51 रन बनाए, नॉट आउट रहे। शजी खान ने 44, साहबाला फरान ने 17, इस्लामाबाद ने वकाल मकसूद ने 3, आसिफ अली ने 2, रिहान जमीन ने 1 और डर ने भी 1 आउट किया। इस तरह इस्लामाबाद ने ये मैच 1 रन से जीत के कराची किंग को प्ले ऑफ से बैक कर दिया। कराची किंग की परफॉर्मेंस मायूस नहीं थी, लेकिन ये मैच अगर जिस तरह से ये वाला मैच खेला है, शायद पिछले मैच भी इसी तरह खेलते, जिस तरह पेशावर के साथ लास्ट मैच जो हारे थे, वो पहला मैच भी जो हारे थे पेशावर से, मुकदा मैच में भी ये परफॉर्मेंस होती तो शायद कराची किंग जीत जाती। लेकिन बहुत अच्छी फाइट की कराची किंग के जानब चले गए टॉप ऑर्डर। फिर मोहम्मद वसीम और कासिम अकरम ने पार्टनरशिप बनाई, लेकिन पार्टनरशिप का क्या फ़ायदा जो आप मैच ही हार जाएँ। आपके मेन बल्लेबाज आसिफ अली के आगे आउट हो रहे थे, जो कि पार्ट टाइमर थे और मजबूरी में उनसे ओवर कराए गए, क्योंकि जिशान जमीर भी इंजर्ड हो गए थे और शादाब खान भी जो है वो हो गए थे इंजर्ड। हसन अली और फहीम अशरफ को मार पड़ी थी, तो किसी ना किसी से तो ओवर कराने थे। एक ही स्पिनर था लियाम डॉसन, तो आसिफ अली से कराए। वो पहले ओवर में उन्होंने 2 रन को आउट किया शजी खान मोहम्मद नबी को, तो आखिरी ओवर में 8 रन दरकार थे, 8 रन नहीं बना पाई कराची की टीम। आखिरी ओवर में इमाद वसीम आउट हुए तो वो बॉटल नहीं बना था, उनको वहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए था। अगर वो एक चौका लगा भी चुके थे पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे, उनको बाकी गेमें आराम से खेलनी चाहिए थी। एक वाइड भी मिली थी आखिरी ओवर में, लेकिन अब उसके भी जो नए बैट्समैन आ रहे थे उनको स्ट्राइक दिया कासिम अकरम ने, और उन्होंने मायूस किया। अगर क्रिस जॉर्डन की जगह बल्लेबाजी के लिए उम्मीद आसिफ को भेज दें तो शायद सूरत मुख्तलिफ होती है, लेकिन इस तरह नहीं किया। बहुत ही सेंसिटिव गेंद मुकाबला हुआ कल का, अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इस्लामाबाद ये मैच जीत गई है। शादाब खान भी अंदर चले गए डाउट में बैठ के, उन्होंने ये मैच देखा है। और क्या आसिफ अली ने भी मैच का नक्शा पलट दिया, इमाद वसीम और फहीम कासिम अकरम ने मैच का नक्शा पलट दिया, तो अगर जीत जाते तो बहुत अच्छी बात थी कराची की, लेकिन अफसोस की बात है प्ले ऑफ से बाहर हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको ये मैच भी अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।